हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और बच्चों का आज एग्ज़ाम है, सिस्टिया का एग्ज़ाम है, टीशू का एग्ज़ाम नहीं है। शरद भी आज ऑफिस जाएंगे तो आज सुबह इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है लंच वगैरह बनाने की, क्योंकि बच्चे जो है वो लंच लेके नहीं जाएंगे, फिर फ्रूट बॉक्स जाएगा उनके लिए। तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने अपने मंदिर की लाइट ऑन करी है और दरवाजे वगैरह खोले हैं, क्योंकि आजकल मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो सुबह सुबह एक ठंड ठंडी हवा घर के अंदर आती है तो काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद मैं अपना फ्रेशन अप होके आ चुकी हूँ और अपना एक गिलास पानी पिया है। अभी मौसम इतना चेंज नहीं हुआ कि गर्म पानी पिया जाए, तो मैं अब फिलहाल आरओ का जो पानी होता है वही अपना पी लेती हूँ। और रात को मैंने जो दही वगैरह जमाया था वो अच्छे से जम चुका है, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। शरद का लंच बॉक्स जब जाएगा तो उसके लिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और रात को मैंने जो है छोले कुलचे में जो मटर बनती है वो भिगोई थी, क्योंकि ये शरद की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उन्हें बेशक मैं रोज़ डेली दे दूँ वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मत बना, तो आज उन्हीं के फिलहाल कहने पर लंच बन रहा है। तो इनको मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से, रात को भी मैंने भिगोने से पहले 2-3 बार अच्छे से धोया था, लेकिन फिलहाल अब भी मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है इनको। और कुकर में 1-2 विसल आने तक मैं इनको बॉईल करूंगी और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि बनाने के उबलने के बाद भी थोड़ा सा नमक जाएगा तो नमक उसी हिसाब से मैंने डाला है। तो रात को खाना खाने में थोड़ा लेट हो जाता है, मैं अर्चना थोड़ा लेट खाना खाते हैं, तो फिर हमारे बर्तन वगैरह जो प्लेट्स कटोरी जो होती है ना वो लेट धोई जाती है, तो फिर उस टाइम मैं लगाती नहीं हूँ बर्तनों को, क्योंकि गीले होते हैं ना तो रैक वगैरह में जंग वगैरह लग जाता है। तो सुबह उठते उठते पहले मैं आप जो 4-5 हमारे जो रात के बर्तन रहते हैं उनको सेट कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो सुबह सुबह लंच की कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ एक फ्रूट बॉक्स ही मुझे रेडी करना होता है। जब नॉर्मली स्कूल जाते हैं तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता है और 5:30-6 बजे तक उनकी वैन वगैरह आ जाती है, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं थोड़ी सी देर के लिए भी 1-2 चक्कर भी लगा लूँ। तो अभी एग्ज़ाम के टाइम पर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं थोड़ी देर 1-2 वॉक चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं चिया को उठा दिया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, वो भी अपना फ्रेशन अप होके आ चुकी है। वगैरह अब वो पी रही है, उसके बाद अपना नहाना धोना करेगी, तब तक मैं उसका फूड बॉक्स वगैरह तैयार कर दूंगी। तो सो के उठे भी काफी देर हो गई है, चाय पीने की तलब जो होती है ना वो लग रही है, तो अब मैं अपने लिए चाय, अपने लिए और शरद के लिए दोनों के लिए चाय चढ़ा दूंगी। यहाँ पे चिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सुबह सुबह मैंने बिस्किट दिए थे पर बिस्किट उसने खाए नहीं थे, तो साथ के साथ मैंने उसको बनाना भी दे दिया। उसका डॉगी आ चुका है तो उसको ब्रेड खिला रही है, इतने में उसकी वैन भी आ गई थी। तो यहाँ पे मेरी चाय अभी बॉयल ही हो रही है, तो साथ के साथ मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बीतता ही जा रहा है, फिर लेट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ आटा वगैरह लगा दूँगी, इतने में शरद भी उठ जाएंगे तो फिर साथ में ही बैठ के चाय पियेंगे और आटा वगैरह गूंदने के बाद थोड़ा इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। और आज इन्होंने चाय पीने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, आज अपना जामुन का सिरका लिया है इन्होंने और चाय मैंने इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लिया है, तो फिलहाल मुझे आज अकेले बैठ के ही चाय पीनी पड़ेगी। तो चाय सुबह सुबह मैं जो है खाली पेट नहीं पीती हूँ, कम से कम 1 बिस्किट या 2 बिस्किट तो ज़रूरी रहती है, क्योंकि फिर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और शरद तो मुझे भी काफ़ी मना करते हैं कि तू भी चाय मत पिया कर, लेकिन मेरे से चाय छूटती नहीं, कम कर दूंगी लेकिन बिल्कुल छोड़ी नहीं जाती, वो तो बीच बीच में छोड़ते रहते हैं चाय, कभी ब्लैक टी कभी लेमन टी ऐसे पीते रहते हैं, पर मैं जो है ब्लैक टी लेमन टी ये भी नहीं पी पाती हूँ, कम कर सकती हूँ लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। तो यहाँ पर दूध वगैरह चाय वगैरह मैंने अपनी पी ली थी, आज अकेले बैठ के ही चाय पीनी पड़ी। साथ बैठ के पीते हैं तो 1-2 बातें हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, तो आज अकेले बैठ के चाय पी। और फिर यहाँ पे दूध वगैरह भी आ चुका था तो साथ के साथ मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, इतने मैं बाकी अपने छोटे मोटे काम करूँगी दूध भी बॉईल हो जाएगा। इतने मैंने चाय वगैरह पी, इतने मटर भी बॉईल हो गई थी तो मैंने कुकर में से मटर को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया, और जितने भी बड़े बड़े बर्तन हुए थे ना उसमें सब के सब साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, फिर बाद में इतनी हेडेक नहीं होती, बर्तन धोने की सिंक जो है वो खाली खाली सी रहती है। तो सारी चॉपिंग वगैरह मैं करने लगी हूँ, प्याज टमाटर और हरी मिर्च बस यही लेके आई हूँ,
और साथ साथ मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है। इतने दूध बॉयल नहीं होता, इतने मैं रसोई में ही रहती हूँ, क्योंकि दूध के साथ एक ही काम होता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। वैसे दूध जो है अपने आप 5 मिनट लगा देगा बॉयल होने के लिए, लेकिन अगर हम 1-2 सेकंड के लिए भी वहां से हटेंगे ना तो वो निकल जाना है। तो यहाँ सारी चॉपिंग वगैरह हो चुकी है और इतनी सारी चॉपिंग मुझे हाथ से ही करनी पड़ी, क्योंकि मेरा जो चॉपिंग करने वाला था ना वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखा है। तो सारी चॉपिंग मुझे हाथ से ही करनी पड़ी है। तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च यही चीज़ मैंने सब इसके अंदर मिक्स कर ली है, और साथ में मसाले डाल दूंगी मैं, काला नमक, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। और चाट मसाला मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया था तो वो मैंने डाला नहीं था। और एक पूरा नींबू, अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मेरे बन के तैयार हो चुके हैं चटपटे छोले कुलचे। साथ में तो मुझे कुलचे ही बनाने थे, लेकिन लंच बॉक्स में जो है वो खाने लायक नहीं रहते, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो किसी दिन घर पे जिस दिन शरद होंगे ना, उस दिन गरम गरम बना के खिलाऊंगी उन्हें। तो यहाँ पे कुलचे वगैरह मेरे बन चुके हैं, सिर्फ रोटी बनानी रह रही है। तो यहाँ पे मैं उनका लंच पैक कर दूंगी। मैंने तो फिलहाल एक बॉक्स में ही जो है कुल छोले डाले थे उनके, तो लेकिन पीछे से ऑर्डर आ गया था कि एक में और एक्स्ट्रा डालियो। फिर यूँ भी होता है कि कोई दूसरा बंदा भी साथ में खाने लगता है तो फिर कम ना रह जाएं, एक्स्ट्रा तो बेशक हो जाए लेकिन कम नहीं रहने चाहिए। इसलिए फिर मैंने उनके 2 बॉक्स में पैक कर दिए थे। अब मैं उनके लिए लस्सी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि लंच बॉक्स में भी लस्सी लेके जाते हैं और फिर एक गिलास पी के भी जाते हैं अपना। सुबह के टाइम उन्हें रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर घर में कोई फ्रूट वगैरह हो तो वो फ्रूट वगैरह भी ले लेते हैं, नहीं तो लस्सी तो वो पी के ही जाते हैं। और अभी शरद चल रहे हैं तो फिर ऑमलेट वगैरह भी नहीं बन सकता, नहीं तो मैं उनके लिए सुबह ऑमलेट वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पे लस्सी मैं सबके लिए बना दूँ, क्योंकि दही जो है हमारे घर में कम ही पसंद करते हैं, तो सभी लस्सी लेते हैं। तो सुबह ही बना के रख देती हूँ, फिर बार बार की टेंशन नहीं रहती कि अब इसके लिए लस्सी बनानी है। तो पूरा एक जग भर के मैं यहाँ लस्सी बना देती हूँ, इसमें शरद का भी पैक हो जाएगा और बच्चों का, और जो हम दिन में पियेंगे उसका भी काम चल जाएगा। और इसमें मैंने जीरा जो है मैंने भून के रख रखा है वही पीस के डाल दिया है, और काला नमक। तो यहाँ पे उनकी पानी की बोतल और चाय की बोतल मैंने दोनों ही तैयार कर दी है। लंच मैंने बिल्कुल पैक करके रख दिया है साइड में, और एक एप्पल भी दिया है इन्हें, ताकि बीच में अगर भूख वगैरह लगे तो खा सके। तो यहाँ आटा भी मेरा अच्छे से रेस्ट कर चुका था, तो मैंने फटाफट रोटी सेक ली है। रोटी बनाने में थोड़ा लेट ही हो गई थी, मैं किसी और काम में लगी थी बीच में, तो फटाफट अब आ गई हूँ किचन में, जल्दी से इनके लंच के लिए रोटी सेक दूँगी। और ये भी आ गए थे यहाँ पे तैयार होके बिल्कुल किचन में मेरी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी मैं, इनका फ़ोन वगैरह आ गया था कि जल्दी जाना है थोड़ा सा। तो बस मेरी रोटी बनानी रह गई थी, फटाफट मैंने रोटी सेकी है और जल्दी से पैक करके इनका लंच वगैरह तैयार कर दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी चलते हैं ड्यूटी पे, मिलते हैं आपको शाम को ड्यूटी से आने के बाद, देखते हैं दिन कैसा रहेगा आज का। लस्सी आ चुकी है मेरी, तो ये खूबसूरत सी लस्सी मैं इंजॉय करूँगा, लीवर के अंदर एकदम ठंडी सी बैठ जाए। तो फिलहाल शरद जा चुके हैं ऑफिस, और टाइम जो है 8 बज चुके हैं, और अभी रोटी बनानी बाकी रह रही है हमारी, और मैं अपनी और बच्चों की बनाऊंगी सुबह नाश्ते की। दोपहर की तो जब वो खाएंगे तभी बना दूंगी, तो अभी तो बस उनके लंच की ही 3 रोटी बनाई है मैंने, थोड़ी देर बैठ के आराम से, उसके बाद फिर दोबारा किचन में लगूंगी। और इतने बारिश हुई ना, इतने ही अच्छा मौसम था, ज़्यादा गर्मी है। ये वाला रूम तो है ना, मैंने सुबह उठते ही सही कर दिया था, रात को ही हम थोड़ी बहुत देर बैठे थे। तो फिलहाल रसोई वगैरह में बर्तन वगैरह तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने साथ के साथ ही साफ कर दिए थे बर्तन वगैरह, सिर्फ रोटी बनानी रह रही है, अभी रोटी बनाऊंगी। और जो मेरी करेले की बेल थी ना, उस पे करेले लगने शुरू हो गए हैं। और एक दो उधर उस साइड भी लगे हुए हैं। बाने रात को बाहर रख दिया था, इसमें ना चींटियां चल रही थी बहुत ज्यादा, और देखो अभी भी चल रही है। और मेरी ये अपराजिता की बेल है, ये पहले मैंने इस साइड यहाँ पे लगा रखी थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि ये बढ़ के ऊपर तक चली जाए, और इसमें फूल आ गए। पहले अब बनाऊंगी रोटियां, रसोई सबसे पहले साफ साफ करके साइड करूंगी, उसके बाद अपने फिर किसी और काम पे लगूंगी। आज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी 10:30 बजे के आसपास आ जाएगी। रोटी वगैरह बच्चों की भी और अपनी सुबह नाश्ते की बना ली है,
और अब फिलहाल गैस साफ करना, ये स्लैब लैब साफ करना का काम रह गया है, जल्दी से कर लेती हूँ। आज बहुत लेट होगी मैं, 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया। बर्तन वगैरह तो मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चकला बिलन और ये जो तवा वगैरह है ना, यही हुए गंदे, और बर्तन में साथ के साथ साफ करती रहती हूँ। तो पहले जल्दी से स्लैब साफ कर लेती हूँ। अब किचन में सिर्फ मेरा गैस और स्लैब वगैरह साफ करने का ही काम रह गया था, क्योंकि खाना वगैरह तो मैंने सुबह ही बना लिया था, और गैस को अगर एक बार सुबह मॉर्निंग में ये साफ करते हैं तो पूरा दिन साफ सुथरी बनी रहती है। तो फटाफट अपना गैस वगैरह भी साफ कर दूँगी, और खाना वगैरह जो भी बनाया था वो सारा मैंने रख दिया है, स्लैब व्लैब सब कुछ साफ कर दिया है, और चिमनी वगैरह जो टाइल वगैरह होती है ना, फिर मैं साथ के साथ रोज़ डेली कपड़ा मार देती हूँ, फिर उसी के साथ गंदी नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।